नमस्कार दोस्तों, रेलवे जो ग्रुप डी है उसका एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो है पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। और जो है आपका फेज़ वन जो है 17 तारीख यानी कल से स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं जो डिस्कस करने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2022। आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2022 रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने CERC 1/2019 के तहत 17 अगस्त 2022 को आरआरबी ग्रुप डी चरण वन जो है फेज़ वन परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड या ई कॉल लेटर जारी किया है। आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड लिंक आरआरबी की क्षेत्रीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उम्मीदवार अपनी पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करके नीचे दिए गए जो है लिंक को लॉगिन कर सकते हैं। जो लिंक है दोस्तों, वो हम हमारे जो डिस्क्रिप्शन है यूट्यूब का उसमें दे देंगे हम आपको फर्स्ट, तो वहाँ से आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो आरआरबी ग्रुप डी फेज़ वन एडमिट कार्ड 2022 तो रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4th हेल्पर असिस्टेंट असिस्टेंट पॉइंट्समैन लेवल के पदों के लिए जो है 1,03,069 रिक्तियों की भर्ती के लिए 2019-20 लेवल वन परीक्षा के लिए आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2022 जारी किया है। मैं भारतीय रेलवे में पोस्ट करता हूँ कि आरआरबी के नवीनतम नोटिस के अनुसार जो है 1,15,67,248 उम्मीदवारों ने जो है फॉर्म भरे हुए हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2019-20 परीक्षा के लिए आवेदन किए हैं। आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2022 डाउनलोड करने का सीधा लिंक हम दे देंगे, ठीक है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2022 जो है आरआरबी देश भर में चरण एक जो फेज़ बन रहेगा वो 17 से 25 अगस्त तक रहेगा दोस्तों। जो भी विद्यार्थी इसमें आते हैं, ठीक है, तो वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तक 2022 तक ग्रुप डी स्तर के पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन कर रहा है रेलवे। इस भर्ती सेल आरआरसी की ओर से सटीक आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा तिथि समय और शहर की जांच के लिए बोर्ड ने पहले ही लिंक जारी कर दिया है। जिन लोगों ने अभी तक अपने परीक्षा शहर और तारीख की जांच नहीं की है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इसे अभी जांच ले। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा शहर और तिथि लिंक ऊपर दिए गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा तिथि 2022 प्रवेश पत्र रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी के लिए 17 अगस्त 2022 से 25 अगस्त 2022 तक परीक्षा आयोजित करेगा। वो भर्ती विभिन्न चरणों में होगी, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड 13 अगस्त 2022 को जारी किया गया था और उम्मीदवार अपने क्षेत्र की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर आरआरबी ग्रुप डी लेवल वन परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा संख्या की मदद से उम्मीदवारों को लॉगिन करना होगा और आरआरबी ग्रुप डी हॉल टिकट डाउनलोड करके जो है 2022 की जन्मतिथि भारतीय रेलवे द्वारा आयोजन रेलवे में 1,00,000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए किया जाएगा, क्योंकि इस परीक्षा के लिए 1.5 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण किया है। आरआरबी ग्रुप डी हॉल टिकट डाउनलोड लिंक जोन वार आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2022 CBT 1 चरण 1 परीक्षा के लिए लिंक 13 अगस्त 2022 को आरआरबी द्वारा सक्रिय किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो है फेज़ वन की आप डाउनलोड कर सकते हैं जो है एडमिट कार्ड, वो फेज़ टू के लिए भी जल्दी लिंक ओपन हो जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी फेज़ वन एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लें और परीक्षा की तारीख तक इसे सुरक्षित कर लें। आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2022 जो आरआरबी ई कॉल लेटर चरण वन रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। स्टेप टू, आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2022 के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। संबंधित आरआरबी क्षेत्र का चयन करें। स्क्रीन पर एक आरआरबी ग्रुप डी कैंडिडेट लॉगिन लिंक दिखाई देगा। अपना जो है आरआरबी ग्रुप डी नाम, पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करें और अपना आरआरबी ग्रुप डी ई कॉल लेटर डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट तैयार करें।
हाल ही में बोर्ड ने उन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा तिथियों की भी घोषणा की है जो आरआरबी ग्रुप डी चरण फेस टू जो फेस टू परीक्षा में शामिल होंगे। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा जो है चरण एक में निर्धारित नहीं है वे दूसरे चरण की तारीखों की जांच कर सकते हैं। करंट अफेयर को जो है 1 घंटे 30 मिनट में पूरा करना है। जो गलत उत्तर चिन्हित करेंगे उनके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उन्हें कम से कम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। हालांकि ओबीसी और एससी वर्ग के उम्मीदवारों को 30% अंक प्राप्त करने हैं की आवश्यकता है, जबकि एससी जो श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 35% जो है अंक आवश्यक है। तो ये जो है आरआरबी ग्रुप डी की एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो मैं आपको थोड़ा सा लाइव बता देता हूँ कैसे आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्याशी लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन, और यहाँ पे आपका पंजीकरण जो है संख्या डालनी है, उसके बाद उपभोक्ता की जो है डेट ऑफ बर्थ डालनी है पूरी, ठीक है, और देन उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।